तो कैसे हैं आप लोग? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों को आपके अपने फोन में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे उसके बाद आपको यूट्यूब को ओपन कर लेना। ये दोनों सेम रूल अप्लीकेबल आप एंड्रॉयड फ़ोन में भी कर सकते हैं। तो यूट्यूब जैसे ही आप ओपन कर लेंगे, आपको यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले राइट साइड में आपके चैनल का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना। उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले यूट्यूब स्टूडियो वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप स्टूडियो के मेन पेज पे पहुंच जाएंगे, यानी यूट्यूब स्टूडियो के। तो उसके बाद आपको जस्ट सीधे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे में दिखाई देगा रिसेंट सब्सक्राइबर, तो आप उसको रिसेंट सब्सक्राइबर के नीचे सी ऑल होगा, उस सी ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने आपके चैनल को जिसने सब्सक्राइब किया है वो शो करने रहेगा। या देख सकते हैं शो कर रहा है कि जिसने हमारे चैनल को पिछले 90 दिन या 7 दिनों या 365 दिनों पहले सब्सक्राइब किया है वो यहाँ शो कर रहा है। और यहाँ उसी का चैनल शो करेगा जिसने अपने सेटिंग में सब्सक्रिप्शन लिस्ट को पब्लिक कर रखा है। ये बात को आपको समझने की चीज़ है, जो अपने सब्सक्रिप्शन लिस्ट को पब्लिक कर रखेगा वही यहाँ पे सिर्फ शो करेगा कि उसने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो देख सकते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ, ओनली इंक्लूड यूजर हु हैव मेड देयर सब्सक्रिप्शन पब्लिक। यानी कहने का मतलब ये है कि केवल उन उपयोगकर्ताओं को शामिल करते हैं जिन्होंने अपनी सदस्यता सार्वजनिक कर रखा है। मेन यहाँ पे थीम इसका यही है, जिसने अपना पब्लिकली नहीं कर रखा है सब्सक्रिप्शन, उसका यहाँ शो नहीं करेगा कि उसने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है। वो भले ही किया हो लेकिन यहाँ नहीं शो करेगा। जिसने अपना सब्सक्रिप्शन पब्लिकली कर रखा है वही शो करेगा कि आपके चैनल को उसने सब्सक्राइब रखा है। तो अगर आप भी इसी तरह अपने सब्सक्रिप्शन को पब्लिक रखेंगे तो जाहिर सी बात है आप जिसके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके स्टूडियो में दिखाई देगा कि आपने उसके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, अगर नहीं करेंगे तो नहीं दिखाई देगा। बस इतनी सी बात है, आप इस तरीके से आसानी से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो धन्यवाद।